कल मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा हो गई है, 13 करोड़ रुपये लेने के मामले में, 2-3 का मामला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर से मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, माफिया, जो सबसे बड़ा पूरे इधर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा माफिया है, उसको सजा काफ़ी साल बाद किसी मुकदमे में हुई है। और निश्चित तौर से हम सब लोगों को उम्मीद जगी है कि जो 32 साल पुराना हमारे बड़े भैया का मुकदमा चल रहा है अवधेश राय जी का, उस मुकदमे में भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका निश्चित तौर से हमें न्याय देगी। हमारे पूरे परिवार, जो हमारा परिवार बिखर गया, टूट गए हम लोग, निश्चित तौर से हमें भी न्याय मिलेगा और हमारे परिवार को संबल मिलेगा। इस जो हुई है, ये उसको सजा हुई है, इससे काफ़ी मजबूती आई है और काफ़ी चीज़ें हम लोग न्यायपालिका पे काफ़ी भरोसा बढ़ा है। मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को भी इस उसमें इसको सजा हुई है। जो आपका केस चल रहा है उसमें अभी क्या दुश्मनी? अब उसमें देखिए, हम लोग जब मेरी 20-21 साल की उम्र थी तब से हम लोग लड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं 20-21 साल की उम्र से हटा नहीं, एक इंच भी नहीं हटा, चाहे कोई सरकार आई, चाहे जिसमें मुख्तार का जलवा भी चल रहा था, उस समय भी 2007 में मेरी गवाही हुई है, मैं एक इंच पीछे नहीं हटा हूँ। और लगातार हम लोग 32 साल से लड़ रहे हैं, कल जाकर हम लोग एक संतोषजनक स्थान पर पहुँचे हैं कि जहाँ मेरी और मेरे जो साथ विजय पांडे जी, जो हमारे भाई तुल्य हैं, बड़े भाई तुल, उनकी गवाही और जीरा पूरी हुई। अब सरकारी व्यवस्था के तहत आगे चलेगी। उम्मीद हम लोग ये रखे हुए हैं कि इनको निश्चित तौर से पूरी तरीके से कठोरतम सजा मिलेगी, जो पूरी तरीके से एक मिसाल के तौर पर पूरे देश के अंदर और न्यायपालिका के लिए ये एक मजबूत कड़ी होगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।